हिमाचल के ज्वाली में गांधी जयंती के अवसर पर स्वच्छता रैली निकाली गई। आपको बता दें कि एकल अभियान के तहत आंचल नगरोटा सूर्या के कार्यकर्ताओं ने यह स्वच्छता रैली निकाली है। यह रैली एकल कार्यकर्ता से शुरू होकर लघु सचिवालय तक निकाली गई। रैली के माध्यम से लोगों को स्वच्छता अपनाने का आह्वान किया गया, साथ ही कूड़े करकट को जलाया गया। इस दौरान एकल कार्यकर्ता निशा शर्मा, सुरेश गुलेरिया ने लोगों को स्वच्छता के बारे में जागरूक किया। एकल कार्यकर्ताओं ने सड़क के किनारे पड़े कूड़े को उठाकर एक स्थान पर इकट्ठा कर जलाया। इस अवसर पर अंचल प्रमुख सुरेश गुलेरिया ने बताया कि आज गांधी जयंती पर स्वच्छ भारत अभियान के तहत स्वच्छता जागरूकता रैली का आयोजन किया गया है। उन्होंने कहा कि अच्छी सेहत के लिए स्वच्छता बहुत जरूरी है। उन्होंने कहा कि अगर हमारा परिवार स्वच्छ रहेगा तो पूरा गाँव स्वच्छ होगा, अगर गाँव स्वच्छ होगा तो हमारा देश स्वच्छ होगा। ज्वाली से संवाददाता दौलत चौहान की रिपोर्ट। हमारा एकल अभियान अंचल नगरोटा सूर्या में जो हमारा आज ज्वाली क्षेत्र में आज स्वच्छता अभियान की रैली जो निकाली गई है, इसमें जो है हम हमारे एकल अभियान के तहत एक हमारा स्वच्छ भारत मिशन, जिसको हम पूरे भारत में भी ये चला हुआ है, हमारे स्वच्छ एकल अभियान में भी यही स्वच्छता का मिशन जो है चलाया गया है। इसी प्रांत में हमने 2 अक्टूबर को स्वच्छता रैली जो निकालने का लक्ष्य रखा था, वो आज हमारे यहाँ ज्वाली क्षेत्र में पूर्ण हुआ है। इसका ये उद्देश्य है कि हम स्वच्छ रहेंगे तो हमारा घर परिवार स्वच्छ रहेगा, घर परिवार स्वच्छ रहेगा तो हमारा गाँव स्वच्छ रहेगा, गाँव स्वच्छ रहेगा तो हमारा देश जो है स्वच्छ रहेगा। एकल अभियान का पंचमुखी शिक्षा हमारी रहती है, तो हर गाँव में जैसे स्वच्छता का अभियान चलाना चाहिए। और जैसे इसके तहत हमने कचरे गड्ढे भी घर घर में बनाए हुए हैं और लोगों को ये संदेश देना चाहते हैं कि हर अपने घर में, हर घर में जैसे कूड़ा कचरा इधर उधर फेंक के मतलब कि ना फेंके और अपने ही घर में कचरा गड्ढे बनाएं और इसमें जलाएं। पहले तो हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी का जो सपना था स्वच्छ भारत का, आज हमारे विश्व हिंदू परिषद के आयाम एकल विद्यालय के माध्यम से हमने एक स्वच्छता रैली लब से लेकर यहाँ मिनी सचिवालय तक निकाली है और जगह जगह कूड़े के जो ढेर लगे थे उनको हमने इकट्ठा किया, जलाया है। और एक इस रैली के माध्यम से हमने एक मैसेज देना चाहते हैं, एक संदेश देना चाहते हैं कि लोगों को स्वच्छता के प्रति जागरूक रहें। यदि स्वच्छता रहेगी तो हम स्वस्थ रहेंगे। इस कोरोना काल में वैसे भी एक स्वच्छता का बहुत महत्व बढ़ जाता है और हम जो हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी हैं उनका सपना पूरा करेंगे इस स्वच्छ भारत स्वच्छ मिशन के तहत। ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक कर हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।